गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो आज हम लोग औसत अभिक्रिया दर तथा तात्क्षणिक अभिक्रिया दर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल कर लेते हैं। चलो बाबू, ये बोर्ड है ना, पर जो सवाल लिखा हुआ है इसको एक बार ध्यान से देखो, काफी बढ़िया सवाल है। कह रहा है फॉर द रिएक्शन आर टू पी, ये आर बुआरे रिएक्टेंट है और ये तुम्हारा पी क्या है, प्रोडक्ट है। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट। क्या कह रहा है, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है 0.03 से 0.02, ठीक है, 25 मिनट में। तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन रेट निकालना है यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। यानी कि एवरेज रेट रिएक्शन रेट है ना, एवरेज रिएक्शन रेट निकालना है सेकेंड में भी और मिनट में भी। हिंदी में भी सवाल को एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है अभिक्रिया आर से पी का जो रूपांतरण हो रहा है, ठीक है, में अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में घटकर 0.02 m हो जाती है। तो ठीक है, सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में औसत वेग की गणना करना है। तो बाबूरे चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बाबूरे औसत वेग हम सबसे पहले सेकेंड में निकालते हैं, चलो ठीक है, हम लोग औसत वेग क्या निकालते हैं, सेकेंड्स में, इन सेकेंड्स, या चलो पहले इन है ना मिनट्स में ही पहले निकाल लेते हैं। तो बाबूरे हमारा रिएक्शन आर से क्या हो रहा है, पी हो रहा है। ये रिएक्टेंट तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। तो बुआ रे सबको पता है कि एवरेज रिएक्शन रेट क्या होता है, बोलो एवरेज, ठीक है, रिएक्शन रेट इक्वल टू क्या होता है, बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तुम्हारा पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बाबूरे यहां पर एवरेज रिएक्शन रेट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर, हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, डेल्टा आर, आर में चेंज, आर के कंसंट्रेशन में चेंज, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर कर देते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा बुआरे, आर टू माइनस आर वन, एक्चुअली रिएक्टेंट्स के लिए है माइनस, हम पहले ही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं होता, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत। तो बाबू ने यहां पर R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है, होगा या नहीं होगा। अब बताओ R2 का कंसंट्रेशन यानी R2 का वैल्यू कितना है, यहां पर बताओ इस क्वेश्चन में R2 का वैल्यू कितना है, बोलो जीरो पॉइंट, बोलो जीरो पॉइंट, देखो जीरो टू, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारा, 0.03, और डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, डेल्टा टी का वैल्यू क्या है बाबूरे, 25 मिनट। तो फाइनली 0.02 में 0.03 को घटाओ क्या होगा बताओ, 0.01 होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा बुआ रे, 0.01 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 25 होगा, ठीक है। और यहां पर हमको सबसे पहले क्या चीज में निकालना है, मिनट में। तो बाबू रे यहां पर हम मिनट लिखे और ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 × 10⁻⁴, देख लेना सॉल्व करके, 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, कोई दिक्कत बुआ रे, मैं तुझे ये देखिए नीचे कट रहा है क्या। तो बुआ रे यहां पर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आया मिनट में कितना आया, 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। तो चलिए बुआ रे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम मिनट में निकाले, सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बुआ रे स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलो बाबू रे इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या कह रहा है बाबू रे, कि रे एवरेज रिएक्शन रेट निकालना है यूजिंग यूनिट्स ऑफ, ठीक है, टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स।
मिनट और सेकंड्स दोनों में निकालना है, तो हम ए नंबर इसका हम मिनट में निकाल लिए। अब अगर हमको सेकंड में निकालना होगा बुआरे, तो सब कुछ तो एज यूजुअल रहेगा। अब यहां पर ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबूरे, 60 से। तो फाइनली अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए, और अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू 6.66 × 10⁻⁶ आएगा। 6. देख लीजिएगा, 6.66 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, -6 मोल पर लीटर, और यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे, पर सेकेंड। कोई दिक्कत? काफी बढ़िया सवाल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ठीक है, तो बाबू रे पहला वाला जो क्वेश्चन है वहां पर हम एवरेज रिएक्शन रेट निकाले थे मिनट में, और यहां पर एवरेज रिएक्शन रेट निकाले क्या चीज में, सेकंड में। तो सेकंड में निकालने के सब कुछ तो है नहीं रहा, यहां पर क्या कर दिए हम, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है बुआरे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बुआरे अगला सवाल देखो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहां पर क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन एक्स टू वाई द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.05 m to 0.02 m इन 40 मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहा है एक्स से वाई अभिक्रिया के लिए, एक्स क्या हो रहा है वाई में चेंज हो रहा है, इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.05 m से 40 मिनट में घटके कितना हो जाता है, 0.02 m हो जाता है। तो औसत वेग की गणना करें। तो बाबू रे यहां पर गौर करना सवाल में, एक्स क्या चीज में चेंज हो रहा है बुआरे, वाई में। तो यहां पर एवरेज रिएक्शन रेट को क्या ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो जाएगा, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब एक्स टू का वैल्यू कितना है बुआरे, यहां पर बोलो 0.02, और एक्स वन का वैल्यू कितना है 0.05, और टाइम कितना है बुआरे, टाइम है 40 मिनट। तो यहां 40 मिनट लिख देंगे। ठीक है, यहां इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, मिनट। तो फाइनली बुआरे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी होगा ठीक है, यहां सॉल्व करके वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, ठीक है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देख लीजिएगा, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर लीजिए और 40 से डिवाइड कर लीजिए, जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए एवरेज रिएक्शन रेट होगा। ठीक है, चलिए इतना काम आप कर लीजिएगा खुद से। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए रिएक्शन H2+I2 2HI, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन से HI बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 इज 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब I2 का विलुप्त तो होने का दर क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 का मतलब हो गया I2 का विलुप्त होने का दर, I2 को खर्च होने का दर क्या है, 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। कह रहा है व्हाट वुड बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI का मतलब हुआ HI का बनने का दर क्या होगा। बात को समझ लो, यहां पर I2 के विलुप्त होने का दर क्या है, यानी चूंकि देखो ये H2 और I2 से HI बन रहा है, तो H2 और I2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, और ये HI का है ना फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ठीक है HI का बनना, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है H2 और I2 क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो बाबू रे तुम्हारा रिएक्शन क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। H2+I2 2HI, सबसे पहला काम हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिख लेते हैं। तो बुआ रे यहां पर क्या होगा रेट बताओ, -dH2/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम लोग बात कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, एवरेज रिएक्शन रेट, इस तरह ना रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये सब सारा चीज हम लोग बता चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, अगर वो क्लास छूट गया होगा तो पीछे रेट ऑफ रिएक्शन वाला क्लास पीछे है ना जाकर के देख लें, तब ये टॉपिक ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ठीक है बुआ रे यहां पर रेट क्या हो जाएगा, -dH2
यानी कंसंट्रेशन ठीक है ऑफ एच टू बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी आई टू, रिएक्टेंट के लिए माइनस लेते हैं क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बाई डी टी, और ये स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट दो है, दो से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो चलो बाबूरे इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ रे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ठीक है, या गिवन क्या दिया हुआ है बुआ रे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई टू, मतलब आई टू के विलुप्त होने का दर कितना है, 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, मतलब माइनस डी आई टू बाई डी टी कितना दिया हुआ है बुआ रे, कितना दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई टू, आई टू के विलुप्त होने का दर 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई, मतलब एच आई का बनने का दर निकालना है, क्या निकालना है बाबू रे, डी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बाय डी टी, ये हमको निकालना है, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखो बाबू रे इस यहां पर इसको गौर करो, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ आई टू दिया हुआ है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई बनाना है, तो ये और ये दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। नाउ क्या करेंगे बुआ रे, ठीक है, प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बाई डी टी इक्वल टू, ठीक है, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई हो गया, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ठीक है आई टू, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ आई टू बाई डी टी। चलो यहां बगल में लिखते बाबू रे, इसलिए तुम्हारा निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई निकालना है, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो से है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, टू इंटू माइनस साइन तो रहेगा ही, टू इंटू ठीक है डी कंसंट्रेशन ऑफ आई टू बाई क्या हो जाएगा बुआ रे डी टी। अब गौर करना, माइनस टू इंटू अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई टू कितना दिया हुआ है बुआ रे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई टू ठीक है, माइनस डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है, ये माइनस साइन ठीक है नहीं होगा चूंकि ये माइनस डी आई बाई डी टी का ही वैल्यू है कितना, 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बाबू रे यहां पर डी एच आई कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बाई डी टी ये हो गया, मतलब एच आई का रेट ऑफ अपीयरेंस ये होगा, ठीक है बुआ रे। बात को फिर से एक बार गौर करो, बहुत ही सिंपल सवाल है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एच टू और आई टू कंबाइन करके एच आई बन रहा है। अब यहां पर कह रहा है कि आई टू का विलुप्त होने का दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई टू इज 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई, तो एच आई का बनने का दर, तो इस पर हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ये कर लिए, ठीक है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिख लिए। अब यहां दिया क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब आई टू के विलुप्त होने का दर माइनस डी आई टू बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है, 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई, यानी डी एच आई बाई डी टी निकालना है हमको। तो बाबू ने इसको और इसको इक्वल कर दिए, ठीक है, अब ये टू से इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये डी आई बाई डी टी माइनस डी आई है ना माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आई टू बाई डी टी का वैल्यू 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ पर पुट कर दिए और फाइनली हमारा रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई निकल गया, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे ये देख रहे हो, ठीक है, तो इस सवाल को हिंदी में भी लिख देते हैं, हम बगल में लिख देते हैं, कह रहा है कि अभिक्रिया एच टू प्लस आई टू टू एच आई के लिए आई टू का
आई टू को विलुप्त होने का दर कितना है बुआ रे? 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो क्या कह रहा है? एच आई का बनने का दर ज्ञात करें। तो चलिए बुआ रे, ये हम हिंदी में भी क्वेश्चन को लिख दिए, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इस हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को नोट कर ले। तो चलिए बाबू रे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले प्रॉब्लम पर बात करते हैं। देखो बुआ रे, कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है। देखो N2O5 को के डिकम्पोज को, ठीक है, इस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया गया है। कह रहा है ड्यूरिंग सर्टेन टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल की बात हो रही है, एवरेज रिएक्शन रेट, यानी कि एवरेज रिएक्शन रेट है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज कितना है? 1.8×10^-3 मोल पर लीटर पर मिनट। कह रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। तो बुआ रे, यहां पर N2O5 का डिकम्पोजिशन दिखाया गया है, और इस डिकम्पोजिशन में बाबू रे कह रहा है कि जो N2O5 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, ये है 1.8×10^-3। तो कह रहा है कि NO2 और O2 का फॉर्मेशन का रेट क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यहां पर कह रहा है कि अगर N2O5 का विघटन का दर 1.8×10^-3 है, तो NO2 और O2 का बनने का दर क्या होगा, ये पूछ रहा है बुआ रे। जगह नहीं था इसलिए हिंदी में सवाल नहीं लिख पाए, नहीं तो फिर सॉल्व कहां करते। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बुआ रे, हमारा ये इक्वेशन क्या है, पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए, N2O5 2NO2 और ½O2। तो चूंकि यहां पर टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो बाबू रे यहां पर एवरेज रेट लिखेंगे। तो इस पर आप, ठीक है, इस इक्वेशन पर एवरेज रेट क्या होगा बाबू रे? इस इक्वेशन के लिए रेट क्या होगा? -δ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय δt इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 δNO2 बाय δt, और इक्वल टू, सॉरी यहां पर प्लस होगा प्रोडक्ट के लिए, प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 है तो δO2 बाय क्या हो जाएगा? δt। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बुआ रे, अब यहां पर क्या दिया हुआ है पहले ये बताओ। गिवन -δN2O5 बाय δt का वैल्यू, यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 कितना दिया हुआ है बोलो? 1.8×10^-3 मोल पर लीटर पर मिनट। कोई दिक्कत? ठीक है, हमको निकालना क्या है? व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, यानी कि हम लोगों को निकालना है δNO2 बाय δt। ये निकालना है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और क्या निकालना है बुआ रे? δO2 बाय δt, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये और ये क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं। तो बाबू ये क्या है? ठीक है, ये नंबर को अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ½δNO2 बाय δt इक्वल टू क्या है बुआ रे? -δN2O5 बाय δt है। बोलो, इसको और इसको इक्वल किए δNO2 बाय δt के वैल्यू के लिए। अब बताओ बुआ रे क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। ठीक है, δN2O5 बाय δt का वैल्यू कितना है? वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? ½δNO2
बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ रे, ये डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी का वैल्यू क्या है वो रख देते हैं, 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना है बुआ रे, -3 बोलो मोल पर लीटर पर मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसलिए डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, मोल पर लीटर पर मिनट। तो बाबू ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1.8 को 2 से, तो बोलो क्या हो जाएगा, 3. बोलो 1.6 हो जाएगा, इंटू 10^-3 मोल पर लीटर पर मिनट। तो बुआ रे हमारा यहां पर एक आंसर आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया, वो कितना हो जाएगा बुआ रे, 3.6 यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या आ गया, 3.6 इंटू 10^-3 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ठीक है बुआ रे हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 तो निकल गया। अब हम लोग को ठीक है दूसरे नंबर इसमें जो है दूसरा कोई है ना जो टर्म पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ये दूसरा डेल्टा O2 बाय डेल्टा ठीक है टीवी का भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहां पर हमारे क्वेश्चन में O2 का भी फॉर्मेशन का रेट पूछ रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे बुआरे, ये हम ये O2 और ये N2O5 ठीक है डेल्टा यानी 2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी को इक्वल कर देंगे माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। ठीक है तो बी को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर क्या करेंगे बाबू रे, 2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या कर देंगे बोलो, माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी, कोई दिक्कत। अब वैल्यू को रख दो, 2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 1.8 इंटू कितना है, 10^-3 मोल पर लीटर पर मिनट है। इसलिए बुआ रे डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10^-3 10^-3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 मोल पर लीटर पर मिनट। तो चलिए डिवाइड करके बताइए कितना हो रहा है, ठीक है 0.9 हो जाएगा वहां पर। तो बाबू रे फाइनली हमारा क्या आंसर आएगा, 0.9 होगा इंटू 10^-3 मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर आएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में है, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। एक बार फिर इस क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, वो अरे इस रिएक्शन में इस क्वेश्चन में N2O5 के डीकम्पोजिशन को दिखाया गया है कि N2O5 डीकम्पोज करके 2NO2 और हाफ O2 दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर N2O5 का विघटन का ठीक है दर 1.8 इंटू 10^-3 है तो NO2 और O2 का विघटन का दर क्या होगा। तो पहले ये एवरेज है ना रिएक्शन रेट यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर हम NO2 को ये फॉर्मेशन का रेट है ना NO2 के फॉर्मेशन का रेट या बनने का दर ज्ञात करने के लिए इसको और इसको इक्वल कर दिए और हमारा ये वैल्यू आ गया। O2 के फॉर्मेशन का रेट निकालने के लिए इसको और इसको इक्वल कर दिए तो हमारा O2 का फॉर्मेशन रेट आ गया। तो चलिए बुआरे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बुक में होंगे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है चलो बुआरे इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन तो पता ही है जो सिंगल स्टेप में होता है एक स्टेप में होता है। तो कह रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन 2A+B से क्या बन रहा है बुआरे, 3C। कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब क्या हुआ सी का बनने का दर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का मतलब क्या हुआ सी का बनने का दर एट टाइम टी इज 1.3 इंटू 10^-4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट
इस टाइम पर क्या निकालना है, एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, मतलब ए के विलुप्त होने का दर निकालना है। ठीक है, यानी ये सरल अभिक्रिया है। सी का बनने का दर कितना दिया हुआ है बुआरे इस रिएक्शन में, ये दिया हुआ है सी का बनने का दर। तो अभिक्रिया दर निकालना है और ए के विलुप्त होने का दर। ठीक है, तो चलो इसको हल्व करते हैं। बाबूरे हमारा रिएक्शन क्या है, 2a प्लस बी से क्या बन रहा है बाबूरे, 3c। तो बाबूरे ये a और b c में चेंज हो रहा है, मतलब a और b का कंसंट्रेशन घट रहा है, मतलब विलुप्त हो रहा है, सॉरी हाँ a और b क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, यानी क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर c बन रहा है, मतलब ठीक है इसका कंसंट्रेशन विलुप्त हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो यहां पर क्या कह दिया हुआ है बाबूरे, सी का तुम्हारा जो है बनने का दर दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अभिक्रिया दर निकालना है और विलुप्त होने का दर। तो चलो बुआरे यहां पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो बाबूरे यस पर ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा बुआरे बोलो, माइनस 1/2 हो जाएगा डी ए बाय क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 1/3 डी सी। डी सी यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी लिखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखे हैं, मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत। क्या दिया हुआ है बाबूरे, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब सी का बनने का दर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डी सी बाय डी टी, ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बुआरे बोलो। यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिस अपीयरेंस या अपीयरेंस के रेट में। तो क्या हो गया, डी सी बाय डी टी कितना दिया हुआ है पहले ये बताओ, 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। क्या पूछ रहा है बुआरे, सबसे पहला पूछ रहा है क्या, अभिक्रिया दर निकालने के लिए पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है बोलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यानी ए के विलुप्त होने का दर पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहला हम लोग रेट निकालते हैं। तो बाबूरे रेट इक्वल टू क्या है, ठीक है रेट इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, 1/3 कर दो, ठीक है डी सी बाई डी टी कर सकते हैं कि नहीं, ये सब इक्वल ही है, तो इसको और इसको हम इक्वल कर दिए, ठीक है तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/3, ठीक है डी सी बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 1.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत। तो अब बताओ इसको 1.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है तो ये आ जाएगा 4.3, देख लो तो कितना आ रहा है, देखो तो डिवाइड करके कितना आ रहा है इसका, है ना डिवाइड करके अगर हम ले लेंगे तो 4.3 इंटू देखो इतना आ रहा है 10 टू दी पावर माइनस 5, हाँ इतना ही आएगा 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, देख लो ठीक यही होगा वैल्यू। तो बुआरे यहां पर रेट जो हो गया 4.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बोलो, ए का विलुप्त होने का दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो बाबूरे यहां पर इसको और रेट को इक्वल कर दो, या इसको और इसको इक्वल कर सकते हो, कोई भी लेकर के चल सकते हो, ठीक है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ बोलो, माइनस हाफ डी ए बाय डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, और माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू रेट लिख सकते हैं बोलो। अब बताओ रेट हम कितना निकाले हैं बोलो, 4.3, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू रेट क्या निकाले हैं, 4.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकंड, चलो मल्टीप्लाई करोगे तो 8.6 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5
मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बुआ रे ये तुम्हारा हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये अभिक्रिया दर हो गया और ये ए का विलुप्त होने का दर हो गया। तो बाबू रे इस तरह का ढेरों क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बुआ रे? तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।